हमीरपुर जिले में निकाय चुनाव के लिए वोटरों में सुबह से ही अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला। मतदान केंद्रों के अंदर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। मतदान केंद्रों में सुबह से शाम तक मतदाताओं की लाइनें अच्छी खासी रहीं और उनमें उत्साह देखने को मिला। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो मतदान केंद्रों में पुलिस की पैनी नजर रही। शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्स और भली पुलिस बल तैनात किया था और ADG जोन ने खुद सुरक्षा व्यवस्था का जिले में आकर के जायजा लिया था। मतदान के दौरान छुटपुट घटनाओं को पुलिस ने तुरंत जाकर के तुरंत निपटाने की कोशिश की, उसमें लग गई थी। सुबह से लगी मतदान केंद्रों की भीड़ से अंदाजा लगाया जा रहा है कि पिछले वर्ष इस बार मतदान पर अच्छा एक प्रभाव देखने को। नौज में आज सुबह 7 बजते ही मतदान प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि भारी संख्या में मतदाता अपना मत करने को लेकर निकल गए। हालांकि मतदाताओं का पहले कहना था कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। हालांकि अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चार चौगुंद रहा, वहीं प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट रहा। वहीं अब कई प्रशासन द्वारा पिंक बूथ भी बनवाए गए जिसमें महिलाओं को लेकर कई सुविधाएं रखी गई। वही दिव्यांग अगर मतदान करने पहुंचते थे तो दिव्यांगों को लेकर उन्हें व्हील चेयर भी उपलब्ध कराई जाती थी। अगर महिलाओं को लेकर उन स्टेशन व व्हील चेयर द्वारा वृद्ध महिलाओं को भी मतदान स्थल तक पहुंचाया जा रहा था। हालांकि अब बात करें कि दिन में हो या सुबह से ही बड़ी बड़ी लंबे कतारें लग गई थी। लोग भारी संख्या में मतदान करने पहुंचे थे। हालांकि मतदान की प्रक्रिया जो सुबह 7 बजे से प्रारंभ हुई, शाम 6 बजे तक लगातार चलती रही। वहीं जब मतदान खत्म हुआ तो उसके बाद सारी पोलिंग पार्टियां जो कि निगम मंडी के लिए रवाना हुई, जिसके बाद सभी पेटिकाओं को सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुरक्षित। उत्तर प्रदेश में हो रहे नगर निकाय चुनाव का आज दूसरा चरण भी समाप्त हो गया। सुबह से 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया लगातार जारी रही, जहां सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकले और मतदान पोलिंग पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं आपको बता दें कि शहर में मतदान के दौरान कुछ जगह फर्जी वोट डालने की भी सूचनाएं सामने आई तो कुछ जगह नेताओं के बीच झड़प हुई। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने इस तरीके के मामलों पर सख्ती दिखाते हुए सभी को खदेड़ने का कार्य किया। तो वहीं आपको बता दें कि अब पोलिंग पार्टियां पोलिंग स्टेशन से EVM स्ट्रांग रूम के लिए रवाना होना शुरू हो गई हैं। कानपुर शहर की बात करें तो शहर में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं से अब आने वाले 13 तारीख को जब मतगणना होगी तो आखिर जनता ने किसके पक्ष में निर्णय सुनाया, ये साफ हो पाएगा। शाहजहांपुर में आज शांतिपूर्ण मतदान समाप्त हो गया है। ऐसे में सुबह से लेकर शाम तक लगातार मतदाताओं की भीड़ नज़र आई। युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐसे में लगातार मुस्लिम वोटरों ने भी लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। हालांकि सुबह मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सबसे पहले वोट डाला था, उसके बाद मंत्री जितिन प्रसाद और JPS राठौर ने वोट डाला। हालांकि BJP प्रत्याशी अर्चना वर्मा ने भी सुधामा स्कूल में अपना वोट डाला है और वहीं समाजवादी पार्टी से माला राठौर ने भी अपना वोट डाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि लगातार मतदान जारी रहा, कहीं पर कोई असुविधा नहीं हुई। लगातार ये मतदान जारी रहा और लोगों ने बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा लिया है। आने वाली 13 तारीख को वो नतीजे सामने आएंगे तो पता चलेगा कि शाहजहांपुर का सरदार कौन होगा। नगर निकाय के चुनाव में 11.5 लाख के करीब मतदाताओं को अपने प्रतिनिधि चुनने थे, जिसमें से अकेले 9 लाख के करीब अलीगढ़ के मेयर के प्रत्याशी को चुनने के लिए मतदाता थे, जिनके बड़ी सुबह से आज यहाँ भारी संख्या में सभी पोलिंग बूथों पर लाइन लगी रही और लोगों ने बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर मतदान में हिस्सा लिया। उसके अलावा जो पुलिस प्रशासन था, पुलिस प्रशासन का भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा इंतजाम रहा, क्योंकि जो भी कहीं भी हल्की फुल्की कोई भी झड़प की सूचना आई, फौरन पुलिस वहाँ पर पहुँची और उसका फौरन यहाँ पर निस्तारण कर दिया। इसी का उदाहरण है, कई जगहों पर फर्जी मतदाता भी पकड़े गए हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर जो मतदाताओं के लिए सुविधाएँ थी, सब तरह की यहाँ पर सुविधाएँ थी और काफ़ी अच्छा यहाँ पर लोगों का प्रदर्शन रहा। अब ये 13 तारीख को पता चलेगा यहाँ पर नगर निकायों में कौन कौन अध्यक्ष बनते हैं और कौन मेयर बनता है। अमेठी में सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। अमेठी में 2 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका है, जहां पर लगभग
86,000 के आसपास वोटर हैं और लगातार सुबह 7 बजे से वोटरों का मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गया और अपने मतदान केंद्र पर पहुंच करके अपने मत का प्रयोग करते नजर आए। अगर अमेठी की बात करते हैं तो अमेठी में जो है मतदान केंद्रों पर एक लंबी लाइन देखी गई, लोग जो है धूप में भी लाइन लगा करके मतदान करते नजर आए। और वहीं अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से बात करते हैं तो अमेठी ESP और अमेठी DM लगातार क्षेत्रों में भ्रमण करते नजर आए। वहीं अमेठी में ADG जोन लखनऊ भी पहुंचे थे और क्षेत्रों में भ्रमण किया था और बूथों का निरीक्षण किया था। तो जिस तरह से अमेठी में चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, लगातार शांतपूर्ण से मतदान हो रहा था और वहीं वोटरों में एक उत्साह देखा गया, लगातार वोटर जो है उत्साहित नज़र आए। और वहीं अमेठी में हम बात करें तो जो है वोटरों का जो नए वोटर थे वो भी एक उत्साहित नज़र आए और लगातार अपने मत का प्रयोग करते नज़र आए। और वहीं जो है अमेठी में अगर हम बात करते हैं तो दिव्यांगों की और वृद्धजनों की, तो वृद्धजन के परिजन और दिव्यांगों के परिजन भी अमेठी में बूथ केंद्रों तक उनको लेकर के पहुंचे और उनके मत का प्रयोग करवाया। और कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से लगातार जो है पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद रही। बरेली जनपद में 42% मतदान अभी तक हुआ है। साथ ही बता चले बरेली जनपद में करीब करीब शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है, छुटपुट घटनाएं सामने आई हैं। वहीं बरेली नगर निगम क्षेत्र की बात की जाए तो अभी तक 35% मतदान किया गया है। साथ ही बात की जाए बरेली जनपद की तो 164 लोगों की फर्जी वोटिंग को लेकर पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 70 लोगों की देहात क्षेत्र में गिरफ्तारी हुई तो 87 लोगों की नगर क्षेत्र में गिरफ्तारी की गई है। वहीं बरेली में शांतिपूर्ण व्यवस्था की बात की जाए, छुटपुट घटनाएं सामने आई हैं। बारादरी क्षेत्र में फर्जी वोटिंग को लेकर घटना सामने आई थी, इसमें थोड़ा सा बवाल हुआ। फिलहाल पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्स ने वहाँ पर पहुंचकर मामले को शांत करा दिया था। फिलहाल आपको बात की जाए बरेली जनपद की, बरेली जनपद के अंदर 847763 मतदाता हैं जो कि प्रत्याशियों के भाग का फैसला करेंगे। वहीं बरेली की बात की जाए वहीं नगर निगम क्षेत्र में 63 मतदाता केंद्र बनाए गए थे, इसमें 46 बूथ थे जिसमें सभी मतदाताओं ने अपनी वोटिंग की थी। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी 13 तारीख को किसके पक्ष में चुनाव परिणाम आता है। बरेली आज 11 मई को निकाय चुनाव मतदान संपूर्ण हो चुका है, जो छिटपुट घटनाओं के साथ खत्म हुआ है। कहीं जो भी छिटपुट घटनाएं हुई उस पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करके उसको सुचारू रूप से मतदान को शुरू कराया है। और छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो मतदान पूर्व बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। कहीं कहीं मतदाताओं को लेकर रोष भी रहा है कि उनका नाम, उनके घर वालों का नाम पे लाल स्याही लग गई है, जिससे वो मतदान अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाए हैं, जिससे उनमें रोष भी रहा है। इन सब चीज़ों को लेके फिर भी अगर इन चीज़ों को हटा दिया जाए तो प्रशासन इस चुनाव को बहुत ही अच्छे तरीके से करा चुकी है। सारे प्रत्याशियों का भाग्य जो है मत बॉक्स में बंद हो चुका है। अब ये 13 तारीख को फैसला करना होगा कि कौन किसके भाग्य में क्या है। बधाइयों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ, किसी प्रकार की जो है अप्रिय घटना देखने को नहीं मिली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर OP सिंह उनके सख्त निर्देश थे किसी भी तरीका की धांधलेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसी प्रकार से पुलिस प्रशासन ने पूरा मोर्चा संभाला और कोई भी जो है वारदात को नहीं देखने को मिली बधाई जिले में। दूसरी बात करें सुबह 7 बजे से जो है लाइनिंग लग गई थी, वोटर में इस समय बहुत ही झपझप उत्साह दिखाई दिया। दोपहर में जाके कुछ जो है गर्मी की वजह थोड़ा हल्का जो है देखने को मिली थी, शाम को फिर वही लाइन देखने को मिली। पूरा इस वर्ष का नगर निकाय बहुत ही उत्साहदायक देखने को मिला है, एक विधायक से कम दिखाई नहीं दे रहा है। इस वर्ष का चुनाव जो है क्या जनता बदलाव चाहती है, इसलिए इतना उत्साह थी। दूसरा जो है बुजुर्ग से लेकर जवान से लेकर कोई जो चल नहीं पाते थे वो भी अपने वाहन से, जो कोई मोटरसाइकिल से, कोई रिक्शे से, कोई किसी से जो है मतदान करने के लिए आए। दूसरा कि जो अभी भी इस समय जो है वोटिंग चल रही है, पीछे दिखाना चाह रहे हैं, वोटिंग इस समय भी चल रही है कोई भी, और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। छोटी मोटी घटना जो है बधाई देखने को मिलती, जैसे बेवजह शिकायतें हुई थी उसको जो है पुलिस प्रशासन ने तुरंत जो है मोर्चा संभाला और कोई भी बड़ी घटना को अंजाम नहीं हुआ। चित्रकूट की एक नगर पालिका और 3 नगर पंचायतों के लिए सुबह 7 बजे से शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। बात करें चित्रकूट की करवी नगर पालिका की तो यहां पर जो नए मतदाता थे उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और महिलाएं भी अपने घरों से सुबह से ही निकल करके लाइनों में खड़े होकर के मतदान किया है। बात करें चित्रकूट की नगर पंचायत मऊ की, जो नव सृजित नगर पंचायत है वहां पर वोट प्रतिशत सबसे ज़्यादा गया है। वहां की महिलाएं और छात्राएं और जो भी छात्र यानी मतदाता थे उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और मतदान किया है, इसके बाद जलपान किया है। बात करें चित्रकूट के राजापुर
जयपुर नगर पंचायत की, तो वहाँ पर भी शांतिपूर्वक सुबह से मतदान चला है और जो भी मतदाता थे उन्होंने शांतिपूर्वक जा करके अपने मत का प्रयोग किया है, इसके बाद जलपान किया है। बात करें चित्रकूट के मानिकपुर नगर पंचायत की, तो वहाँ पर भी जो लोग थे बड़े उत्साह के साथ धूप पर खड़े होकर के मतदान किया है और जो बुजुर्ग लोग थे वो भी व्हील चेयर में बैठ करके जा करके मतदान किए हैं। फिलहाल चित्रकूट में सभी सीटों के लिए शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। यूपी निकाय चुनाव का दूसरे चरण का मतदान अब समाप्त हो चुका है शांतिपूर्ण ढंग से। कानपुर नगर में मतदान हुआ, किसी भी तरह कोई भी विवाद की स्थिति मतदान के दौरान नहीं हो सकी। आपको बताते चले कि मतदान के दौरान कुछ छुटपुट जो ईवीएम मशीन खराब होने की शिकायतें लगातार आती रहीं और जो ड्यूटी पर लगे थे वो अधिकारी मौके पर पहुँचे तो खराब ईवीएम मशीनों को ठीक कर वहाँ पर दूसरी मशीन लगाकर मतदान का जो मतदान था उसको सुचारू रूप से चालू किया। इसके साथ ही आपको बताते चले कि मतदान शुरू होने से पहले देर रात को एक निर्दलीय प्रत्याशी के पति को गोली मार दी गई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए वहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था, जिससे कि शहर के जो आबो हवा है वो ख़राब न हो सके और मतदान के दौरान किसी तरह की कोई विवाद की स्थिति न उत्पन्न हो सके। इसको देखते हुए लगातार पुलिस व प्रशासन के लोग CCTV ड्रोन कैमरे नज़र बनाए हुए थे और छुटपुट कहीं पर भी जो विवाद की सूचना आ रही थी वहाँ पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुँच रहा था और दोनों पक्षों को समझा कर मामले को शांत करा दिया। ऐसे में आपको बताते चले कि अब शाम को 6 बज चुके हैं और मतदान समाप्त हो चुका है और कानपुर में अब तक 45% के समथिंग जो वोटिंग प्रतिशत रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि मतदान प्रतिशत जिस तरह बढ़ाने की बात कानपुर में की गई थी वो उससे बहुत ही कम कानपुर मतदान हुआ है, क्योंकि लगातार जिला चाहे वो कानपुर प्रशासनिक अधिकारी हो या पुलिस के अधिकारी हो या अन्य किसी विभाग के अधिकारी हो लगातार लोगों को जागरूक कर रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा घर से निकले और मतदान करें, लेकिन शाम को 6 बजे तक मतदान खत्म हो चुका, 45% ही मतदान कानपुर में हो सका। यूपी दूसरे चरण का आज मतदान हुआ, हाथरस में शांतिपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के साथ पूरा मतदान रहा। आपको बता रहे कि हाथरस जिले में 2 नगर पालिका और 7 नगर पंचायत के लिए आज सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रारंभ हुआ था और जनता में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। बड़ी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ बूथों पर लगी रही। अगर हम बात करें बुजुर्गों की तो 80 साल तक के यहाँ पर बुजुर्ग महिला पुरुष देखने को मिले। वहीं जो युवाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। एक नई नवेली दुल्हन ने विदा से पहले मतदान किया तो एक युवती की आज शादी होनी थी तो शादी से पहले उसने मतदान किया। वहीं अगर हम बात करें किन्नरों की तो किन्नरों ने भी हाथरस जिले में काफ़ी बढ़ चढ़ कर मतदान किया है। आपको बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ ADG आगरा राजीव कृष्णन भी हाथरस आए। उन्होंने बताया कि उनके आगरा जोन के 4 जिलों में अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एटा में मतदान रहा। सभी जगह शांतिपूर्ण और सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतदान रहा। जिलाधिकारी अर्चना वर्मा और पुलिस अधीक्षक देवेश कुमार पांडे लगातार जिले की 2 नगर पालिका और 7 नगर पंचायतों में मतदान का जायजा लेते रहे और जगह जगह पहुंचते रहे। वहीं अगर कुछ छुटमुट जो वारदात जो छुटमुट लोगों की समस्या ही थी उनको भी तत्काल उन्होंने अधिकारियों ने संज्ञान लिया और उनका निराकरण कराया। जो हाथरस जिले में मतदाता और प्रत्याशियों के सहायता के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया था उसका भी सदुपयोग लोगों ने खूब किया है और हाथरस में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। दूसरे मेरठ में शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव समाप्त हुआ है। उसी के साथ साथ देखा जाए तो मेरठ में भारतीय जनता पार्टी और साइकिल की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी, लेकिन उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो फिलहाल की स्थिति में मेरठ में पतंग ने साइकिल के पंख काटने का काम किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को उसका बहुत बड़ा लाभ देखने को मिला। मेरठ में सत्ताधारी पार्टी का अभी कोई मेयर नहीं बन पाया है। बीते 1995 से 2023 तक की बात की जाए तो मेरठ में 5 मेयर बने हैं, जिसमें 3 बसपा और 2 भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। अभी तक सपा ने अपना खाता नहीं खोला था और अब की बात की जाए तो अब की बार भी कहीं ना कहीं सपा की साइकिल उड़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन पतंग ने सपा की साइकिल के पंख काटकर ये साबित किया है कि मेरठ में सत्ताधारी अब की बार इतिहास रच सकती है। लगातार देखा जाए जिस तरह से मेरठ में अब की बार विपक्ष में समाजवादी पार्टी का मेयर प्रत्याशी काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा था, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मेरठ में लगातार देख सकते हैं कि आज
जिस तरह से वोटिंग हुई है उसके साथ साथ विपक्ष में अतुल प्रधान ने ट्विटर के माध्यम से और लगातार प्रशासन के माध्यम से चुनाव आयोग से भी गुहार लगाई थी कि सत्ताधारी पार्टी के रसूखों के आगे अतुल प्रधान कहीं ना कहीं बेबस नजर आ रहे हैं। अतुल प्रधान ने चुनाव आयोग से दरखास्त की थी कि चुनाव को निष्पक्ष रूप से कराया जाए, लेकिन उसी के साथ साथ देखा जाए तो मेरठ में साइकिल की हवा निकलती हुई नजर आ रही है। वहीं हाथी की बात की जाए तो हाथी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस की बात की जाए तो हाथ दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मेरठ में भारतीय जनता पार्टी साइकिल और पतंग काफ़ी मजबूती के साथ मैदान में देखने को मिली है। जनता की माने लगातार देखा जाए, हर पूरे दिन की अगर कहानी की बात की जाए, हर एपिसोड की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं पतंग ने साइकिल को काफ़ी नुकसान मेरठ में पहुंचाया है। आज सुबह से जिले में मतदान जारी रहा। सुबह की हम बात करें तो 6 बजे से ही मतदान स्थल पे लोग भारी संख्या में पहुंच रहे थे। बड़ी बड़ी लाइनें थीं और सुबह लोगों के अंदर मतदान के प्रति एक बहुत बड़ी जागरूकता देखने को मिली। हम बात करें कि बूढ़े से लेकर के नौजवान के अंदर मतदान के प्रति एक उत्साह भरा हुआ देखने को मिल रहा था। यहाँ तक कि प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन फर्जी मतदाताओं से बचने के लिए उनकी स्कैनिंग करा करके जाँच में जुटा था। वहीं पे जांच के दौरान कई फर्जी मतदाताओं को जेल भी भेजा गया। यहां तक कि अन्य क्षेत्रों में मधुबन हो या घोसी हो, मुहम्मदाबाद हो या कोपागंज हो, अदरी हो, हर नगर पंचायतों में बड़ा ही शांतिपूर्ण ढंग से उत्साह के साथ मतदान देखने को मिला। हम बात करें जिला प्रशासन की तो जिला प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जा रही थी और शांति ढंग से लोग बड़े अदब के साथ वोट देने में सफल दिखे। यहीं पे अगर भीड़ की बात की जाए तो चारों तरफ शहर में एक उत्साह लोगों के अंदर बना हुआ था निर्वाचन को लेकर के। अब देखना होगा कि सारे लोगों का ब्लैक पेपर के द्वारा ब्लैक बॉक्स में आज किस्मत कैद हो गई है, आने वाली 13 तारीख को क्या परिणाम होंगे। सुल्तानपुर के जहां पर द्वितीय चरण के चुनाव को सकुशल संपन्न करा लिया गया है, जिलाधिकारी जसजीत कौर व पुलिस अधीक्षक सुमन वर्मा के नेतृत्व में नगर निकाय का चुनाव जो द्वितीय चरण का चुनाव था वो आज सकुशल संपन्न करा लिया गया है। तो वहीं सुल्तानपुर में आज मंडलायुक्त गौरव दयाल, पुलिस आईजी प्रवीण कुमार भी उपस्थित रहे, जिनको लेकर के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक भ्रमणशील रहे, पूरे जिले में भ्रमण करते रहे और कहीं से कोई अपनी समाचार नहीं मिली। चारों तरफ से ये सूचना मिलती रही कि चुनाव जो है वो सकुशल शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करा लिया गया है। बताते चले जब हम प्रत्याशी से हमारी बात हुई तो प्रत्याशियों ने बताया, उनके नेताओं ने बताया कि हमारी प्रत्याशी जो हमारे जो कैंडिडेट हैं वो बम्पर रोड से जीत रहे हैं, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, लेकिन स्पष्ट तब होगी जब मतगणना होगी और मतगणना 13 तारीख को होगी तो उसके बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी कि किस प्रत्याशी को नगर निगम पालिका का ताज मिला है और किसको नहीं मिला है। इसी के साथ जब हमने बात की पुलिस अधिकारियों से तो उनका कहना ये था कि कहीं से कोई अपने समाचार नहीं मिले हैं, चुनाव जो है वह सकुशल संपन्न करा लिया गया है, कहीं कोई अपनी घटना नहीं घटित हुई है। जहां भी छुपट जो चीज़ें हुई थी उनको देखकर के हमारी टीमें जो है वो लगातार भ्रमण कर रही थी, सजग थी और वो पूरी तरह से उस पुलिंग पर जा करके उन्होंने स्थिति को संभाल करके अब मतदान कराया है। सुल्तानपुर के नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हापुड़ में समाप्त हो चुका है। शांतिपूर्वक तरीके से यहां पर चुनाव कराया गया। वहीं पुलिस प्रशासन भी चप्पे चप्पे पर तैनात रहा, अधिकारी भी लगातार पेट्रोलिंग करते हुए नजर आए। वहीं अगर हम बात करें अलग अलग बूथों भी तो यहां पर बहुत सारे मतदाताओं ने आरोप लगाया कि लगभग 30% यहाँ पर वोट कटे हैं, जिसके बाद देखिए यहाँ पर जनता काफ़ी नाराज भी नजर आई, आरोप भी लगाती हुई नजर आई, लेकिन प्रशासन ने अपना काम किया और चुनाव को संपूर्ण कराया। और देखिए आसपास के लोगों में आखिर 13 तारीख को नतीजे आएंगे तो ये स्थिति भी साफ हो जाएगी कि आखिर किसके सर का सरताज यहाँ पर सजने वाला है, आखिर कौन सा प्रत्याशी यहाँ पर जीतने वाला है, क्योंकि लगातार हापुड़ लगातार सुर्खियों में रहता है। और उसके बाद आज शांतिपूर्वक तरीके से यहां पर चुनाव संपन्न किया गया है। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हापुड़ में समाप्त हो चुका है। शांतिपूर्वक तरीके से यहां पर चुनाव कराया गया। वहीं पुलिस प्रशासन भी चप्पे चप्पे पर तैनात रहा, अधिकारी भी लगातार पेट्रोलिंग करते हुए नजर आए। वहीं अगर हम बात करें अलग अलग बूथों भी तो यहाँ पर बहुत सारे मतदाताओं ने आरोप लगाया कि लगभग 30% यहाँ पर वोट कटे हैं, जिसके बाद देखिए यहाँ पर जनता काफ़ी नाराज भी नजर आई, आरोप भी लगाती हुई नजर आई, लेकिन प्रशासन ने अपना काम किया और चुनाव को संपूर्ण कराया।
और देखिए आसपास के लोगों में आखिर 13 तारीख को नतीजे आएंगे तो ये स्थिति भी साफ हो जाएगी कि आखिर किसके सर का सरताज यहाँ पर सजने वाला है, आखिर कौन सा प्रत्याशी यहाँ पर जीतने वाला है, क्योंकि लगातार हापुड़ लगातार सुर्खियों में रहता है और उसके बाद आज शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर चुनाव संपन्न किया गया है। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हापुड़ में समाप्त हो चुका है, शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर चुनाव कराया गया। वहीं पुलिस प्रशासन भी चप्पे चप्पे पर तैनात रहा, अधिकारी भी लगातार पेट्रोलिंग करते हुए नजर आए। वहीं अगर हम बात करें अलग अलग बूथों की तो यहाँ पर बहुत सारे मतदाताओं ने आरोप लगाया कि लगभग 30% यहाँ पर वोट कटे हैं, जिसके बाद देखिए यहाँ पर जनता काफ़ी नाराज भी नजर आई, आरोप भी लगाती हुई नजर आई, लेकिन प्रशासन ने अपना काम किया और चुनाव को संपूर्ण कराया। और देखिए आसपास के लोगों में आखिर 13 तारीख को नतीजे आएंगे तो ये स्थिति भी साफ हो जाएगी कि आखिर किसके सर का सरताज यहाँ पर सजने वाला है, आखिर कौन सा प्रत्याशी यहाँ पर जीतने वाला है, क्योंकि लगातार हापुड़ लगातार सुर्खियों में रहता है और उसके बाद आज शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर चुनाव संपन्न किया गया है। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हापुड़ में समाप्त हो चुका है, शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर चुनाव कराया गया। वहीं पुलिस प्रशासन भी चप्पे चप्पे पर तैनात रहा, अधिकारी भी लगातार पेट्रोलिंग करते हुए नजर आए। वहीं अगर हम बात करें अलग अलग दिन शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए गाजियाबाद की पुलिस जद्दोजहद करती रही, लेकिन आखिरी वक्त में मतदान खत्म होने के कुछ मिनटों पहले आखिरकार बवाल हो गया, जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि एक पक्ष ने उन पर पथराव किया है, जिसमें कुछ पुलिस वाले और कुछ बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए हैं। बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने भी, अजीत पाल त्यागी, उन्होंने भी आरोप लगाया कि धर्म विरोधी नारे लगाते हुए पथराव किया गया है, जिसके बाद जबरदस्त सुरक्षा को तैनात किया गया है मुरादनगर के इस पूरे इलाके में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुरादनगर का ये केएन इंटर कॉलेज के आसपास का इलाका है, यह हाइपर सेंसिटिव इलाका है और यहाँ पर पुलिस सुबह से निगहबानी कर रही थी, लेकिन शाम होते होते तनाव चरम पर आ गया। आखिरकार इस पूरे इलाके में फोर्स डिप्लॉय कर दिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है। पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार जुबानी जंग भी हो रही है। हालांकि भाजपा साथी ज्यादातर सरकारें कहीं न कहीं या तो इसको टैक्स फ्री कर चुकी हैं या फिर टैक्स फ्री करने पर विचार कर रही हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको टैक्स फ्री भी किया और कल अपनी पूरी कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द केरला स्टोरी को लोक भवन में देखेंगे। सुबह 11:30 बजे से लेकर दोपहर 1:45 बजे तक इस मूवी का प्रदर्शन राजधानी लखनऊ स्थित लोक भवन में होगा, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही उत्तर प्रदेश कैबिनेट के सभी सदस्य, उसके अलावा बीजेपी महिला मोर्चा की 150 से ज्यादा जो सदस्य हैं वो भी इस फिल्म को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ देखेंगी। जहां पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार इसको टैक्स फ्री कर चुकी है और कहीं ना कहीं इस फिल्म के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार कह भी रही है कि एक संदेश भी है और लोगों को उसको समझना चाहिए, विरोध करने के बजाय सीधे तौर पर दर्शकों पर यह बात छोड़ देनी चाहिए कि वो इसका विरोध करेंगे या फिर समर्थन। अब देखना यह है कि कल इस पूरे फिल्म के प्रदर्शन के बाद महिला मोर्चा की तरफ से भी किस तरीके के बयान आते हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण के मानचित्र सेल में चल रहा है बड़ाखेल, जहां इंजीनियर बिल्डिंग का समान शुल्क ना जमा करा करेंगे, केवल अपना ही फायदा ढूंढते नजर आ रहे हैं। यानी कि साफ तौर पे जिस तरीके से एलडीए बीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने आदेश जारी किया था और उस आदेश के बाद से इंजीनियर ही उनका फॉलो नहीं करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर साफ है कि जिस तरीके से समान शुल्क के नाम पर लोगों से बड़े रकम ऐठी जा रही है, इसके साथ साथ में जो मानचित्र विभाग है उसमें भी कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल देखने को मिल रहा है। ऐसे में लगातार एलडीएबीसी के पास इनकी शिकायतें पहुंच रही, जिसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में साफ माना जा रहा है कि जिस तरीके से लखनऊ विकास प्राधिकरण में बिल्डिंग अपार्टमेंट को लेकर के लगातार सीलिंग की कई शिकायतें भी आई थी, इसको भी लेकर के लगातार इस पर जो है जाँच बैठाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक फिलहाल फाइलों को शांत रखा गया है। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से लखनऊ विकास प्राधिकरण लगातार आदेश जारी करते हैं और उनके ही अपने इंजीनियर वो मनमानी करते हुए नजर आते हैं।
राजधानी में महिलाओं को शिकार बनाने वाला लुटेरा गैंग लगातार सक्रिय है। ऐसे में अगर हम लखनऊ पुलिस की बात करें तो लखनऊ पुलिस जो दावे करती है, कहीं ना कहीं वे दावे धरातल पर निष्क्रिय नजर आते हैं। आज की बात करें तो आज भी मदेगन थाना क्षेत्र में एक महिला को इस लुटेरे गैंग ने अपना शिकार बनाया है। इलाज कराने आई महिला के साथ चैन लूट की घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो जाते हैं और पुलिस को भनक तक नहीं लगती है। वहीं बीते दिनों अगर हम अलीगंज थाना क्षेत्र की बात करें तो एक महिला को लूट का शिकार बनाया गया था और महिला बाइक से गिरी थी, जिसमें महिला और एक नाबालिग बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसके बाद कई दिग्गजों ने उस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर जो है शेयर करते हुए लिखा था कि लखनऊ पुलिस आखिर कर क्या रही है। उस घटना के बाद लखनऊ पुलिस के ऊपर कई सवाल या निशान खड़े हुए थे कि आखिर इस तरीके से लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाश क्या लखनऊ से ही है या लखनऊ के बाहर से आकर घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। अब देखना होगा कि लखनऊ में लगातार, चाहे वो कृष्णानगर थाना क्षेत्र हो, सादतगंज थाना क्षेत्र हो, मदेगंज हो, अलीगंज हो, विकास नगर हो या फिर इंदिरा नगर हो, इन तमाम थाना क्षेत्रों में इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देकर बदमाश फरार चल रहे हैं। अब देखना होगा कब तक इस गैंग पर लखनऊ पुलिस लगाम लगाने में सफल हो पाएगी।